अब आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको काफी कुछ सिखा के जाऊं। तो इस वीडियो में मैं काफी सारे सेंटेंसेस लेने वाला हूं और उसके साथ ही मैं आपको कराऊंगा कुछ वोकैबुलरी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आपको काफी कुछ इस वीडियो लेसन से सीखने के लिए मिलेगा। Let's improve English. देखिए पहला सेंटेंस है, इस सवाल ने मेरा दिमाग घुमा रखा है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का है या किसी भी और सब्जेक्ट का है, उस सवाल ने आपको घुमा रखा है, ऐसे बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस क्वेश्चन हैज बैफल्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। हैज बैफल्ड यानी बैफल किया हुआ है, मी यानी कि मुझे। This question has baffled me. अब baffle का meaning आप देखिए, to cause someone to be completely unable to understand or explain something. इसका मतलब है किसी को cause कर देना। cause करने का मतलब क्या होता है? कारण बन जाना, यानी कि कारण बन जाना कि कोई someone to be completely unable, कि वो completely unable हो जाए, एकदम वो समझ ही ना पाए। to understand यानी समझ ना पाए किसी चीज को, और आगे लिखा हुआ है explain something, समझा ना पाए। इसका मतलब बिल्कुल उसका दिमाग घूम जाए, एकदम confused हो जाए वो, ना वो समझ पा रहा है ना वो समझा पा रहा है। यानी कि किसी चीज ने अगर आपको baffle किया, इसका मतलब उसने completely आपको घुमा दिया, confused कर दिया। इसलिए हमने कहा दिस क्वेश्चन हैज बैफल्ड मी। फ्रेंड्स, अगर आप एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसको आप अलग अलग सेंटेंसेस में बड़ी आसानी से अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अब हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सवाल अच्छे अच्छों को घुमा देता है। अब इसमें भी देखिए हम कैसे बैफल का यूज करते हैं। दिस क्वेश्चन बैफल्स इवन वाइज पीपल। अब यहां पर ये जो है टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसलिए हमने बैफल में ई एस लगाया है। ई तो इसमें था ही, हमने एस लगाया है, बैफल्स। दिस क्वेश्चन बैफल्स यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये बैफल कर देता है। इवन वाइस यानी कि होशियार लोगों को भी। वाइस कहा जाता है इंटेलिजेंट को, इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है, होशियार लोगों को। इवन वाइस पीपल यानी जो अच्छे अच्छे होते हैं ना, जो हम हिंदी में कहते हैं ना अच्छे अच्छों को, यानी कि वाइस पीपल अच्छे अच्छे होशियार लोगों को भी ना ये बैफल कर देता है। तो बैफल का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं यहां से चूहों का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में हो गए रैट्स बहुत ज्यादा, आप चाहते हो नामो निशान मिटा देना, खत्म कर देना? तो उसके लिए देखिए हम कैसे कहेंगे। I want to exterminate the rats from here. मैं कुछ करना चाहता हूं इसके लिए I want to, और मैं क्या करना चाहता हूं? Exterminate, exterminate कर देना चाहता हूं। किसे? The rats, यानी कि rats को, from here, यहां से। Exterminate का meaning to kill all the animals or people in a particular place or of a particular kind, यानी किसी एक तरह की प्रजाति को, यानी एनिमल्स को या पीपल को पूरे तरीके से खत्म कर देना, विनाश कर देना, यानी कि नामो निशान मिटा देना। I want to exterminate the rats from here. यानी कि मैं यहां से exterminate कर देना चाहता हूं, rats को exterminate कर देना चाहता हूं। तो आप अपने conversations में इन words का use जरूर करना ताकि आपका conversation बहुत improve हो जाए। हवा के झोंके से दरवाजा बंद हो गया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं हवा के झोंके से, इस हवा के झोंके के लिए हम क्या कहेंगे? A gust of wind caused the door to be closed. यानी कि यहां पर हमने वर्ड लिया गस्ट, अ गस्ट ऑफ विंड यानी कि हवा का झोंका, उसने क्या किया? कॉज कर दिया। किसे कॉज किया? डोर को। किसी को कॉज करने का मतलब है उसके कुछ करने का या उसके कुछ होने का कारण बन जाना। कॉज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। Caused the door to be closed, यानी कि gust of wind ने door को cause कर दिया कि वो बंद हो जाए। तो gust का यहाँ पर meaning है a sudden strong rush of wind, यानी कि हवा का झोंका जो हम हिंदी में कहते हैं। उसे तो एक हवा का झोंका उड़ा देगा, ऐसे हम मजाक में कभी कभी कहते हैं, उसे तो एक हवा का झोंका उड़ा देगा, इतना पतला सा है वो। A gust of wind will blow him away, so blow him away, यानी कि उसे तो दूर उड़ा देगा एक gust of wind, it's just a sentence. ऐसे चिल्लाओगे तो गला बैठ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गला बैठ जाएगा इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। यू विल मेक योर सेल्फ होर्स इफ यू शाउट लाइक दैट। होर्स का मीनिंग होता है हैविंग अ रफ वॉइस। यू विल मेक योर सेल्फ यानी कि तुम अपने आप को होर्स बना लोगे, होर्स बना लोगे। होर्स किसे कहते हैं? जिसकी आवाज साफ नहीं आ रही है, रफ वॉइस है, हो सकता है ठंड की वजह से या फिर ज्यादा शाउट करने की वजह से, तो उसे कहेंगे कि वो होर्स हो गया, होर्स।
यानी कि साउंड हॉर्स हो सकती है, एक पर्सन हॉर्स हो सकता है। यू विल मेक योर सेल्फ हॉर्स इफ, कैसे हॉर्स कर लोगे अपने आप को, इफ अगर यू शाउट लाइक दैट, अगर ऐसे चिल्लाओगे तो। ये कंडीशनल है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, इफ यू शाउट, ना कि इफ यू विल शाउट। इफ यू शाउट लाइक दैट यू विल मेक योर सेल्फ हॉर्स। उसने बाजार में तमाशा कर दिया, जैसे कि झगड़ा हो गया या फिर वो एकदम ही बहुत ज्यादा तमाशा कर दिया उसने, एकदम शोर मचा दिया। ही मेड या फिर ही क्रिएटेड अ सीन इन द मार्केट। मेक अ सीन या फिर क्रिएट अ सीन, इसका मतलब होता है सीन क्रिएट कर देना, तमाशा कर देना, शोर शराबा मचा देना। ही मेड क्रिएटेड, देखिए मेक की भी सेकंड फॉर्म है, क्रिएट की भी सेकंड फॉर्म है। अगर इन दोनों में से हम कोई भी यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म के साथ ही यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, उसने ऐसा किया था। ही मेड या फिर ही क्रिएटेड अ सीन इन द मार्केट। सो क्रिएट अ सीन ये एक फ्रेज है जिसका इसी तरीके से यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है तमाशा कर देना, शोर मचा देना। ही मेड अ सीन इन द मार्केट। अब बहस करना शुरू मत करो, डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग नाउ। डोंट स्टार्ट यानी कि शुरू मत करो, क्या शुरू मत करो, आर्ग्यूइंग यानी कि बहस करना, नाउ यानी कि अब। डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग नाउ यानी अब बहस करना शुरू मत करो। तुम काफी किस्मत वाले हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है। यू आर क्वाइट लकी टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लकी या फिर फॉर्चुनेट की जगह पर कोई भी एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है भाग्यशाली होना, किस्मत वाला होना। यू आर क्वाइट लकी और क्वाइट का मतलब होता है यानी कि काफी काफी लकी हो, काफी फॉर्चुनेट हो। क्यों हो फॉर्चुनेट, टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब है ना आपके पास, इसीलिए। मुझे ऐसा करने के लिए किसी को कहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको इस सेंटेंस के जरिए ये बताना चाहता हूं, आई विल हैव टू आस्क समवन टू डू दिस। आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा, आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, आस्क का मतलब किसी से कुछ करने के लिए कहना भी होता है। आई विल हैव टू आस्क समवन यानी मुझे किसी को कहना पड़ेगा। पड़ेगा के लिए हमने क्या लगाया, हैव टू, फ्यूचर के लिए विल, आई विल हैव टू आस्क यानी मुझे कहना पड़ेगा समवन, किसी को, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए। तो आप ध्यान रखना, आस्क का मतलब पूछना ही नहीं, किसी से कहना भी हो सकता है। उसका ताक झाक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की लाइफ में, दूसरों की सिचुएशंस में, दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, ताक झाक करते हैं, कुछ ज्यादा ही क्रियोसिव रहते हैं कि मुझे जानना है इसके बारे में। आई डोंट लाइक हिज बींग नोजी। इस सेंटेंस में आपको काफी चीजें दिखाई दे रही होंगी, देखिए उनको डिस्कस करते हैं। आई डोंट लाइक, इसका मतलब तो सिंपल है, यानी कि मुझे पसंद नहीं है। तो उसी के लिए मैंने आपको एक अलग वर्ड दिया, डिटेस्ट। डिटेस्ट करने का भी मतलब होता है हेट करना। आई डिटेस्ट कहो या आई डोंट लाइक कहो, एक ही बात है, यानी मैं डिटेस्ट करता हूँ, हेट करता हूँ। अब किस चीज से हेट करता हूँ, अब देखिए मैं डिटेस्ट करता हूँ ना, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, जो ये डिटेस्ट वर्ड है, ये जो वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा। किसे डिटेस्ट करता हूं मैं, किस चीज से नफरत करता हूं, हिज बींग नोजी, उसके नोजी होने से, उसके इनक्विजिटिव होने से। अब इन नोजी और इनक्विजिटिव, ये उन्हें कहा जाता है, उन इंसानों को कहा जाता है जो बहुत क्रियोसिव होते हैं, यानी कि बहुत जिज्ञासा रखते हैं दूसरों के बारे में जानने में, यानी कि बस आप समझ लो ताक झाक करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, पता नहीं दूसरों में टांग अड़ाते बीच में अपनी, उन्हें कहते हैं नोजी या फिर इनक्विजिटिव, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते रहते हैं। सो मैं किस चीज को डिटेस्ट करता हूँ, हिज बीइंग नोजी, यानी उसके नोजी होने को मैं डिटेस्ट करता हूँ। यहाँ पर बीइंग आया है, बीइंग मतलब होना, हिज बीइंग नोजी यानी उसके नोजी होने को, उसके इनक्विजिटिव होने को मैं डिटेस्ट करता हूँ। अब याद रखना, कुछ लोग बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, ये है आपकी आई, ये है नोजी, अब उसे नोजी मत बोलना, क्योंकि नोजी तो एक अलग वर्ड है, एक अलग मीनिंग के साथ, वो सदमे में इधर उधर घूम रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि किसी चीज ने आपको शॉक कर दिया, बिल्कुल आप सदमे में हैं, आप चल फिर रहे हैं, मतलब सदमे का मतलब ये नहीं आप बेहोश हो गए या कुछ हो गया, सदमे में होने का मतलब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं कि ये क्या हो गया यार, सदमे में। तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही इज वॉन्डरिंग अराउंड इन अ डेज। इन अ डेज का मतलब होता है फीलिंग कंफ्यूज्ड एंड नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि आप ढंग से अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, शॉक्ड हैं। ही इज वॉन्डरिंग, अब यहां पर वॉन्डर का मतलब घूमना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ही इज वॉन्डरिंग अराउंड यानी कि इधर उधर, इन अ डेज यानी कि सदमे में, हम कहते हैं जैसे हिंदी में कि बहुत ही वो चौंक गया है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए।
क्या बताऊं यार, हिंदी में भी वर्ड्स नहीं मिलते ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ को जल्दी से। अब क्या बोलूं, वो घबरा गया है, टेंशन में है, उसका दिमाग घूम गया, कैसे बोलें, सदमे में है, सदमे में है, यही बोलते हैं। ऐसे सुबक सुबक के रोने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट गेट एनी थिंग बाय सॉबिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें हमें फ्यूचर की बात बतानी थी, तो फ्यूचर की बात बताने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं मिलेगा यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो विल में हमने नॉट लगाना है, तो विल नॉट को हमने लिखा और उसका शॉर्ट लिखा वॉन्ट। तो यू वॉन्ट का मतलब है यू विल नॉट, गेट मतलब मिलना है, यहाँ पर यू वॉन्ट गेट एनी थिंग यानी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कुछ भी? बाय सॉबिंग यानी सॉब करने से, लाइक दिस यानी इस तरह, इस तरह सॉब करने से, बाय सॉबिंग लाइक दिस। देखिए बाय के बाद जब कोई वर्ब आता है ना, तो जनरली वो आईएनजी फॉर्म में आता है, क्योंकि बाय एक प्रेपोजिशन है और ये अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। बाय सॉबिंग लाइक दिस यानी इस तरीके से सॉब करने से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सॉबिंग का मीनिंग क्या है? टू क्राई नॉइजीली टेकिंग इन डीप ब्रेथ्स, यानी कि शोर मचा मचा के रोना, यानी कि गहरी सांस ले लेके, यानी सुबकना जिसे हम हिंदी में नॉर्मली कहते हैं। यू वॉन्ट गेट एनी थिंग बाय सॉबिंग लाइक दिस, आप समझ गए होंगे। ये गोली ले लो, इससे तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। ऐसे हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी को, जिसे कुछ दर्द हो रहा है तो हम बोलते हैं ये गोली ले लो, हल्का हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। टेक दिस टैबलेट, दिस विल अलीविएट योर पेन। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस वर्ड का मीनिंग और यूसेज। अलीविएट करने का मतलब होता है, देखिए, टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सवियर। टू मेक समथिंग बैड यानी कोई चीज जो बुरी है ना, समथिंग बैड यानी कोई बुरी चीज, जैसे कि सच एज पेन और प्रॉब्लम्स, कोई दर्द या परेशानियां, लेस सवियर। सवियर का मतलब होता है गंभीर होता है कि गंभीर, यानी कि कम गंभीर बना देना, कम सीरियस बना देना किन्हीं प्रॉब्लम्स या पेन को। टू मेक समथिंग बैड यानी कोई बुरी चीज़ है उसको कम कर देना, पेन को कम कर देना या प्रॉब्लम्स को कम कर देने को हम अलीविएट बोलते हैं। टेक दिस टैबलेट, ये टैबलेट ले लो, दिस विल अलीविएट योर पेन यानी कि तुम्हारे पेन को ये अलीविएट कर देगी। देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए और एग्जाम्पल्स बनाए हैं। मुझे अपना सिर दर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अब आप सजेशन मांग रहे हो किसी से कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। What should I do to alleviate my headache? मुझे क्या करना चाहिए, किस लिए? To alleviate, कि मैं alleviate कर सकूं, क्या चीज़? My headache, अपने headache को, अपने सिर दर्द को मैं alleviate कर सकूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखा आपने कैसे यूज हो रहा है वर्ड। देखिए एक और सेंटेंस, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ करो, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ करो। ये वर्ड ऐसे ही ज़्यादातर बोला जाता है, अब तो हिंदी में बोलते हैं तनाव, बोलते हैं तनाव, टेंशन, फिर हिंदी का वर्ड, फिर इंग्लिश का वर्ड आ रहा है। स्ट्रेस मतलब तनाव को कहते हैं, चिंता को कहते हैं, कौन तनाव बोलता है यार, स्ट्रेस ही बोलते हैं सब। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ करो, डू समथिंग टू अलीविएट योर स्ट्रेस। यहाँ पर अलीविएट का मतलब कम करना, अलीविएट योर स्ट्रेस यानी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करो। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इन वीडियोस को, आखिर मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए इन वीडियोस को लेकर आता हूँ और मुझे मेहनत से डर नहीं लगता जब तक आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और आपको सीखने के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।